हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी न्यूज़। अभी हाल ही में जुड़ीमा वाइन और सुजात मेहंदी को जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। आप लोगों ने अक्सर प्रोडक्ट को लेकर जीआई टैग सुना होगा। आप सोच रहे होंगे कि यह आखिरकार क्या है। जीआई टैग का पूरा नाम भौगोलिक संकेत है, जिसे इंग्लिश में जियोग्राफिकल इंडिकेशन बोलते हैं। ये टैग दरअसल प्रोडक्ट से ज़्यादा ये बताता है कि वो प्रोडक्ट किस जगह का है। जीआई टैग किसी भी क्षेत्र की खास पहचान उस प्रोडक्ट को देती है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक जीआई टैग एक प्रकार का लेबल होता है, जिसमें किसी प्रोडक्ट को विशेष भौगोलिक पहचान दी जाती है कि उस प्रोडक्ट का ओरिजिन कहाँ का है। भारत में संसद की तरफ से सन 1999 में रजिस्ट्रेशन एंड प्रोडक्शन एक्ट के तहत जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स लागू किया गया था। अब जानते हैं जुड़ीमा राइस वाइन के बारे में। जुड़ीमा वाइन एक चिपचिपे चावल को फर्मेंटेड करके बनाया जाता है, जिसे असम के दिमांसा समुदाय के लोग बनाते हैं। इसका नाम जू शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है शराब, और दिमा का अर्थ है दिमासा, जो वहाँ के समुदाय के लोग हैं जो इसे बनाते हैं। ये पूरे पूर्वोत्तर में जीआई टैग पाने वाला पहला पारंपरिक पेय पदार्थ है। इससे पहले अभी तक वहाँ पर किसी भी पेय पदार्थ को जीआई टैग नहीं मिला है। और अब जानते हैं सोजत मेहंदी के बारे में। ये मेहंदी राजस्थान में पाली जिले के सोजत तहसील में प्राकृतिक रूप से इसकी फसल उगाई जाती है। सोजत मेहंदी की पत्तियों की खेती प्राकृतिक रूप से वर्षा जल का उपयोग करके की जाती है। तो ये थी जुड़ीमा राइस वाइन के बारे में और सुजात मेहंदी के बारे में कुछ डिटेल में इंफॉर्मेशन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।